नमस्कार सुधीवृंद, सिद्धार्थ भक्ति चैनल निवेदित काव्यरस कार्यक्रम गोटे नुआ अध्याय को आपण मानक स्वागत। आपण मैंने भितर काव्यरस कार्यक्रम सहित परिचित हो गले। काव्यरस रस तले पहरुवा जीवन को अनुभव को आवेग को खोजा आरंभ कले। आमर मध्य उद्देश्य ता काव्यर धारा भितर रस तले पहरुवा जीवन को खोजार प्रयास। मो सहित अच्छा आपण मानकर पूर्व परिचित वाद्यशिल्पी बंधुगण, अच्छा गायिका सस्मिता मिश्र। आमे कथा होते गंगाधर तपस्विनी काव्यर पंचम सर्ग संपर्क। मन थी आपण मानकर पूर्व अध्यायर कथा जोठी आम कथा होते केमिति सीतांको उपस्थिति रे बदली जाउची आश्रमस्थ उद्यानर परिवेश। सीतांको बाट चलरे सतजमती गंगा नदीर प्रवाह। सीतांको सहित मुनिकन्या मानंकर पानी दबारे गंगाधर वर्णना करुचंती सतजमती मेघ माला माने बा कादंबिनी कौन करुची ना सागर र जल को रूपांतरित करुची पुणी थरे वर्षा जल। से वर्णना से परिवेश पानी दबार परिवेश अर्थात वृक्ष को जीवन देवार प्रयास। से प्रयास रे गंगाधर कौन कहते प्रथम सुना जाओ। ये साधारण रु साधारण दृश्यटे आम समस्ते भोगीचे समस्ते देखीचे। एमती काम कला बेले स्त्री लोक माने हुंतु बा पुरुष माने हुंतु अंटारे लुगा को खोसिबार जो परंपरा थाए ताकु आनी गंगाधर रखुचंते। एठी आपण माने लक्ष्य करथिबे कानी तळे लंबिले कष्टकर कामटिए करिबा सहज हुए ना। तेणु कौन करंती आम माने लुगार कानीटे को अंटारे खोसी दियंती। गंगाधर कहते जो मुनिकन्या आ सीता पानी दबापाई गले कष्टकर काम आड़ को गले से कले कटी तटरे अर्थात अंटारे से कौन कले ना अंचलर अंचल को लुगार अंचल को कानी को खोसीदे बर्तमान से मैंने काम करने जा चंचल गति करता ना आउ धर्य धरले हेनी खरा बढ़ी बढ़ी जाऊँगी पूर्वर ए कार्य को समापन करने को हम आश्रम समस्त वृक्ष मान मूल पाँच देवाक हम तेणु चंचलता टे लोड़ा समस्त तेणु जो स्थिर होसी जो आलस्य टे सी आऊना अर्थात चंचल चंचल काम सारे हम समस्ते तमसा नदी कूल पाणी आनी केमिति वृक्ष मानंकु देबे ए प्रयास रे लागि जाइचंती। सीतांक समेत सीता मध्य से प्रक्रिया रे अछंती एवं गंगाधर कहउचंती वृक्ष केश सिरे कलस बही जो कलस को से के काखै कि नउची के मुंडै कि नउची तो को केश वृक्ष केश मुनि कन्या मानंकर केश एठी तेल लगेबार बेल ना सते जमी तैल लगेबाटा गोटे विलास व्यसनर प्रतीक किंतु से वृक्षताटा सौंदर्य रूपांतरित होते बड़े ना जो बड़े श्रम झाड़ बहुची स्वेद झाड़ बहुची यम कला बेल जो झाड़ बहुची सी जो बड़े कपाल देश को छुँची सी अधिक सौंदर्य प्रतिपादन करुच्ची कौन स्वेद जाऊ थाए ललाटे बही पोछे दे कै से मैंने कौन करते हाथ में पोछि दिंती के हाथ में पोछि दिंती ना जिते बितर चंचलता थाए आए पछई जाए था राजनंदिनी सीता। सीतांकर तो अभ्यास नहीं काखरे हो कि मुंडरे हो पानी माठिया धरी गछरे आनी दबा ए अभ्यास तो ना तेणु स्वाभाविक भाव से ये कार्यटी समापन कला बेले टिके पछई जाऊे चली पार न सखी मान सहित ताल जो मैंने कि आरंभ रु यही अभ्यास बशवर्ती
तेणु ताकू जितेबाला अपेक्षा करुछंती मुनि कन्या माने सेमाने कौन करुछंती ना करे हाथरे मुंडर झाळकु पोछि देउछंती सेतिके बेले पोछुछंती काम कला बेले पोछु नाहंती अपेक्षा कला बेले सीतांक सहित समता पाई अपेक्षा कला बेले सेमाने तांको झाळकु करे बा हाथरे पोछि देउछंती साधारण दृश्यटिए को गंगाधर आणी सीतांक सहित मुनि कन्या मानंक सहित जोडुछंती परवर्ती पद को जीवा कौन कहुचंती कवि सुनिबा अनुकंपाई समय आसी बोईले मधुर वात्सल्य भासी सीता मोर जन बही न जानी कष्ट सीता और मुनिकन्या मानंकर पानी देवार ये पर्व चलता बेले अनुकंपा आसी पहुँची जाने पूर्वर अनुकंपा सहित परिचित जानी क्यों मातृसुलभ स्नेह से सीता संखली नहीं आपणई नहीं से संपर्क भितर हुए तो रक्तर संपर्क ना कि आत्मीयतार संपर्क अंतरंगतार संपर्क मनीष को मनीष भाव में आपणई नवार संपर्क अनुकंपा को देखिला परे सीता प्रथम थरपाई मातृत्वर स्पर्श अनुभव करुचंती मातृत्वर आवेग अनुभव करुचंती से अनुकंपा जेतेबेले सीतांक पाखरे आसी पहुँची जाउचंती सेतेबेलकु सीता और मुनिकन्या मैंने आश्रम उद्यान वृक्ष मानू पा दौंती तमसा नदी पा मठिया आनी पा दौंती यहाँ अनुकंपा को भल लगे ना ना एत परिश्रम कला झीटा आउ परिश्रम न करू यही कथा कहते गंगाधर अनुकंपा मुहरें कहते मधुर वात्सल्य वात्सल्य भाव संतान प्रति जो भाव प्रकाश करे माँ टीए से भाव नहीं कि अनुकंपा कहते सीता मोर जल बही न जाने कष्ट कोमल प्राणी तार तो अभ्यास ना से पछे जामें कौन कौ सीता को अपेक्षा कौन करुच तार तो अभ्यास दौ ना तेणु सीए जो पा आहिकी आणिकी दौर तुम मान कथा रखिकी ताको कष्ट होतबो किंतु से मना करि पारुनि हुए तो तेणु ताकू जल बहिबा कार्य तुम्हें रखनी ताकू से संप्रक्त करनी बोली काहाकु कहउचंदे अनुकंपा मुनिकन्या मानंकु कहउचंदे एवं कोन कहउचंदे ना से प्रथम थर पय आसीचि से थरे मात्र उद्यान को देखिनौ सेतिके यथेष्ट ताकू तुम्हें पानी बहिबा कार्य काहेकि नियोजित करुच माँ टे झीओ को देखुची से दृष्टि अनुकंपा सीता देखुंती से तो अनुकंपा मनरे अनुकंपा प्राणरे सीता प्रति ए अंतरंगता ए आबिलता परवर्ती दृश्य रे ए जो अनुकंपा और करुणार दृश्य रे गंगाधर केमिते आग को जाउचंती सुनिबा सीता तो आउ साधारण नारी नुहंती मुनिकन्या भली साधारण जीवन अतिवाहित करूनाहंती मुनिकन्या माने जो श्रम देई पारे दान करिपारे सीतांकर तो से अभ्यास नहीं से राजनंदिनी ये उद्देश्य हुए तो अनुकंपा कहते ना ना सी पा न दिंतु किंतु ता सहित सीतांकर गर्भावस्था कथा अनुकंपा पाखे जना अच्छी
तेणु से चाहूँच सीता शारीरिक श्रम ठार दूरे रखापी संभवत किंतु मनरे केमी मानसिक शांति आह्लाद भर्ती करा जाय परिवो अनुकंपा से चिंतित से कहते आमा था पा दिया से था टे छाइकिया एवं छाई को आसला बेले आउ किसी करनी आउ किसी प्रयास आउ किसी चेष्टा ये जो पानी देवा जनित कम करुचु से मुकुल के आउ गोटे कौन कम करदेव बोली भावुचु कि ना किसी करनी माँ आ टे बस दीपद कथा कौ कथा कथा ना आश्रम रीति संपर्क नियम संपर्क श्रृंखला संपर्क मुझे टी कहीदे अनुकंपा कहते से कौन कले ना आसिक हिम शीतल छाय सत जमी वृक्षर छाय बसी किए बसीगले अनुकंपा और सीता बसीगले किंतु अन्य मुनिकन्या माने मुनिकन्या माने तो कौन करिवे तांकर पानी दबा काम गच्छरे पानी दबा काम चली निरंतर चली जो कथा कहउचंती गंगाधर बसिले छायारे किए अनुकंपा और सीता जल आने लागिले तापसी तती मुनिकन्या माने सेमानकर पानी दबा कार्य निरंतर जारी रखिचंती एवं मुनिकन्या पानी दबा कार्य चलीला बेले अनुकंपा और सीता वृक्षर शीतल छाई बसी रही कथबार्तार उद्यम होती कथबार्ता गुरुत्वपूर्ण नुहे ये कथा भितर जो अंतरंगता तैयारी हम ये कथा जरिया सीता मनरे जो दुख उपशमन हम ता गुरुत्वपूर्ण अनुकंपा मनरे आश्वासना टिके दबापी मनरे शांति टिके दबापी कथा किछि बाहर करनापी दुख किछि आड़े दबापी हुए तो अनुकंपा ये प्रयास कौन कथा हेले अनुकंपा और सीता प्रथमे गंगाधर भाषा रे सुना जाऊ कौन कहिले अनुकंपा कौन कहिले सीता अनुकंपा ताही करुणार कथा अंतरंगतार कथा कहते अनुकंपा उद्देश्य कथा हेबा किंतु कथा जरिया सीता आश्वासना देवा मूल प्रसंग ये डाकि नहीं गच्छ छाई तलू सीता आ कहते माँ जीवन रे श्रद्धा गुरुत्वपूर्ण श्रद्धा टिके अच्छी बोली मनीष मनीषरे रूपांतरित हो श्रद्धा टिके थिले ही मनीष देवतारे रूपांतरित हो पार श्रद्धार अभाव मनीष असुरारे रूपांतरित हो पार से कथा को कहला बेले से कहते जे प्रत्येक लोक कौ सहित कार्य करे ना श्रद्धा सहित जदि श्रद्धा नहीं ताले से कार्यर मूल्य ना तेणु कार्य सहित श्रद्धा समन्वित होगा जरूरी एक कथा बुझे अनुकंपा सीता गोटे उपदेश छल उपदेश पुणी उपदेश भली मन होना सत जमी साधारण कथबार्ता भितर अनुकंपा एक कहीदे फुलरे फुलरे विभिन्न बास थाए प्रत्येक फुलरे अलग अलग बासना प्रत्येक फुलर रंगरे विविधता अच्छी सेमती प्रत्येक मनीषर स्वभाव श्रद्धार स्थान अलग अलग कहार टिके कम कहार टिके अधिका कहार लुकायित तो, कहार लुचि रही पुणी कहार दिशुची छल छल भावटे समस्त मनरे किंतु श्रद्धा भावटे अच्छी से श्रद्धा भावर उन्नत से श्रद्धा भावर उन्नत उपस्थापन फल हुए तो मनीषटे कौन हो देवतारे रूपांतरित तो होती गंगाधर कहते जे दैवी मानवी आसुरी भेदरे तीनोटी अवस्था मनीषर अर्थात प्रकृतर देवता प्रकृतर असुर प्रकृतर मनीष नहांती से गोटे मनीष भितर देवता भी अच्छा ईश्वर भी अच्छा मनर श्रद्धा भावटी जदि समन्वित हो अच्छी श्रद्धा भावटी जदि आवेगर रूपांतरित होती से देवी हो जाए श्रद्धा भावटी कमीगले गोटे आसुरिक शक्तिर पराकाष्ठा सामना को आसुच्छे प्रसंग उपदेश छल कहते अनुकंपा परपद को जी कथबार्ता आग को केमी जा।
ଶୁଦ୍ଧିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ସୀତା ତ ଉପଲକ୍ଷ ମାତ୍ର, ଯିଏ ନିଜେ ମା, ଯିଏ ନିଜେ ଦେବୀ, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଉପଲକ୍ଷ ଜରିଆରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ସତେ ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧିର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର ଆଉ କାମର କଥା। ମନରେ ଯଦି ଏଇ ତିନୋଟି କଥା ରହିବ, ଏଇ ଦର୍ପ, ଏଇ ଦମ୍ଭ, ଏଇ ଅହଙ୍କାର, ଅହଂବୋଧ ଏବଂ କାମନା ଜନିତ ମନୋଭାବ ରହିବ, ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରତିପାଳନ କରି ମଣିଷ ବାଟ ଚାଲିବ, ତା ସହିତ ଯଦି କ୍ରୋଧ ବା ରାଗ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ଲୋଡ଼ା। ସେ ମଣିଷ ତ ସେଇଠି ମରିଗଲା, ସେ ମଣିଷ ତ ସେଇଠି ଆସୁରିକ ଉପାଦାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର, କାମ, ତା ସହିତ ଯଦି ରାଗ ବା କ୍ରୋଧ ମିଶିଗଲା, ୟାକୁ ଧରିକି ଯିଏ ତପସ୍ୟା କରିବ, ତପ କରିଥାନ୍ତି ଅସୁର ଭାବେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅସୁରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମା', ତୋର ତ ସ୍ୱଭାବ ତାହା ନୁହେଁ, ତୋ ଭିତରେ ତ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି, ସରଳତା, ଏସବୁ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଧରି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଥାନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁରୀ ଭାବ ବା ଆସୁରୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ବୋଲି ଅନୁକମ୍ପା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିରେ ଜୀବନର ବା ମଣିଷର ଉତ୍ତରଣ ଜନିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅବତରଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ସେଥିରେ ମଣିଷ ଉପରକୁ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ, ଘୃଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ। ଏବଂ ତୋ ସ୍ୱଭାବରେ ତ ତାହା ନାହିଁ ମା, ତୁ ତେଣୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ଦେବ, ଦ୍ୱିଜ, ଗୁରୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ଚାରିଜଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଏବଂ ତାପରେ ତିନୋଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶୌଚ, ଆର୍ଯ୍ୟବ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶୌଚ ସାଧାରଣ ଆମେ ଅତି ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଶୌଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେହ ଧୁଆ ହୁଏ, ମନ ଧୁଆ ହୁଏ କି ନା? ମଣିଷ ଦେହକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଦେହକୁ ବାସ୍ନାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅତରର ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ମନରେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନା ନଥାଏ, ମନ ଗନ୍ଧଉଥାଏ। ସେଇ ମନର ବାସ୍ନାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନର ଆମିଷ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା, ପରିହାର କରିବାଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଶୌଚଟି କେଉଁଠି ହେବ, ମନ ଭିତରେ ହେବ, ବାହାରର ଦେହର ଶୌଚ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର। ଆର୍ଯ୍ୟବ ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳତା ରହିବ, ଜୀବନରେ ଯଦି ସରଳତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରଳ ଯେତେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା, ଏ କଥା ପୁଣି ଅନୁକମ୍ପା କହୁଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ, ଯିଏ ନିଜେ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତା ସହିତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ କହୁଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଶୌଚ, ଆର୍ଯ୍ୟବ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ମିଶିଲେ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ହିଁ ମଣିଷର ଉତ୍ତରଣ ସମ୍ଭବପର। ଏ କଥୋପକଥନ ସେଇଠି ସରିଯାଇଛି ନା ପୁଣି ଆଗକୁ ଅଛି? ଆଗ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶୁଣାଯାଉ, ତାପରେ କଥା। ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦ ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଷା ଆଉ
चित्तशुद्धिर सोपान परे सोपान पहाच परे पहाच उत्थानर कथा कहुथिले अनुकंपा। शौच आर्जव ओ प्रीतिपूर्ण संभाषण कथा तो कहुथिले, ता सहित पुणी जोडुचंती शांतिप्रद ओ सत्यप्रिय भाषण कथा, अर्थात सत्य उपरे गुरुत्व दउचंती। किंतु को सत्य कहिबो ना जहाँ प्रिय होइथिबो, अर्थात सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात अप्रियम सत्यम, अर्थात अप्रिय सत कथा कहिबुनि माँ, कहिबु प्रिय कथा कहिबु सत कथा कहिबु। तेणु से दृष्टि गोटे अंतरंगता तयारी हो सारानी अनुकंपा और सीतांक भितर बोली आपण माने देखि परुथिबे। प्रिय संभाषण उपरे गुरुत्व दउचंती, सत्यशील हवा उपरे गुरुत्व दउचंती, चित्त शुद्धि उपरे गुरुत्व दउचंती, पवित्रता उपरे गुरुत्व दउचंती। मनरे ए भावना गुड़िए रहिले ही ताहा हुए तो सीतांक गर्भस्थ संतान उपरे गोटे सकारात्मक प्रभाव पकेब, ए विश्वास अनुकंपा मनरे दृढ़ीभूत ही अच्छी बोली तो एते उपदेश एते प्रीतिपूर्ण संभाषण। एवं कौन कहते ना यही सब कथा गुड़िक सत्यशील होगा कथा प्रिय वचन कहवा कथा तोर जीवन में प्रिय भूषण तोर सेटा ही अलंकार, बाहर अलंकार हे तो चोरी हो जापे छिंडिकी पड़ जापे भांगी जापे किंतु ए अलंकार को मनीष कहीं नहीं पारे ना। सीतांक पाखे से ही अलंकार देखुंत अनुकंपा, तेणु से कहते तो अलंकार माँ कौन ना प्रीतिपूर्ण संभाषण। तेणु तो मन में तो कपट ना माया ना, तू तो रम्य सौम्य मूर्तिर गोटे निदर्शन, एवं तो मनरे आउ संसार जंजाल को नहीं व्यतिव्यस्तता ना, तू तो सब को अतिक्रम कर सारी माँ, तेणु तते मु कौन कह। अनुकंपा और सीतांक ये कथोपकथन हुए तो सरी जाता किंतु सरनी सरी पारनी ये समय आमको संकेत दौर आज अध्याय को ये रखापी आपण मान सहित पुणी आउ गोटे नुआ अध्याय देखा हेब। अनुकंपा और सीतांक कथोपकथन आग को केमिति आगेला से संपर्क में कथा हेबा, सेते बेले जाए विदाय दिंटू।